की फिल्मों को भी कॉम्प्लेक्स आ जाए, इतना ट्विस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया बेहतरीन और मैं हूं अदिति। महाराष्ट्र में अब प्रोबेबिलिटी डिसाइड हो ही चुका है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र का सीएम पद संभालेंगे। उद्धव ठाकरे कल सीएम पद की शपथ लेंगे। इतनी खुशी मुझे। इन दो दिनों में क्या क्या नहीं हुआ। बीजेपी ने हर संभव प्रयास किया कि किसी तरह उनकी सरकार बन जाए, शिवसेना ने प्रयास किया कि किसी तरह उनका मुख्यमंत्री बन जाए, और कांग्रेस ने प्रयास किया कि किसी तरह वह जिंदा रह जाए। लेकिन कुछ भी हो, महाराष्ट्र की राजनीति से यह तो साबित हो ही चुका है कि राजनीति अब निम्न स्तर पर जा पहुंची है। बीजेपी का कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ है, शरद पवार का कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ है, और शिवसेना का कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ है। लेकिन धोखा सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की जनता के साथ हुआ है, उनके विश्वास के साथ हुआ है, क्योंकि सारी पार्टियां केवल और केवल अपने बारे में ही सोच रही है, जनता की किसी को भी नहीं पड़ी। यहां तक कि महाराष्ट्र के राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं कि आखिर उन्होंने इतनी जल्दबाजी में शपथ कैसे दिलवा दी। यानी देखा जाए तो कोई भी सही नहीं है। जनता का आदेश बीजेपी और शिवसेना की गठबंधन के लिए आया था, लेकिन अपने एजेंडे से विरुद्ध उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी और शरद पवार के नाम की कसमें खा रहे हैं, शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्या जिन लोगों ने शिवसेना को उनकी विचारधारा के लिए वोट दिया था, उनके साथ यह धोखा नहीं हुआ। लेकिन आप इन सब में सवाल यह भी उठता है कि मुख्यमंत्री बनने वाले उद्धव ठाकरे, जिन्होंने बड़े अच्छे से सोनिया गांधी और शरद पवार के नाम पर शपथ तो खा ली है, वो कहीं दूसरे मनमोहन सिंह ना बन जाए और उनकी डोर शरद पवार के हाथ में होगी या सोनिया गांधी के हाथ में, ये तो देखना होगा। खैर, आप देखते रहिए भैया बेहतरीन। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अखबार जगत को सब्सक्राइब कीजिए।